हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज थ्योरीज ऑफ क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट इन सक्सेशन। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने सक्सेशन, व्हाट इज सक्सेशन, सक्सेशन के टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ सक्सेशन यानी मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में चूँकि क्लाइमेक्स थ्योरी से क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट सक्सेशन का जो है उससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसको कि आज जो है इस लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। द फाइनल टर्मिनल और मोर लेस इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी इन सक्सेशन डेट इज एबल टू इस्टेब्लिश सम सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द डेट एरिया एज टर्म्ड क्लाइमेक्स। जब कोई भी कम्युनिटी जब अपने पूरी तरह से स्टेबल होती है यानी कि अटेनमेंट ऑफ टर्मिनल स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी तब वो कहलाती है क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स पर जो कम्युनिटी पहुंच जाती है तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है पूरी तरह से इस्टेब्लिश कम्युनिटी होती है सक्सेशन पर और पूरी तरह से इस्टेब्लिश होती है और इक्विलिब्रियम एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ अडॉप्ट कर लेती है और उसको जो है क्लीमेंट्स ने 1916 में क्लाइमेक्स टर्म दिया। द सब्जेक्ट ऑफ क्लाइमेक्स हैज़ बीन मच कंट्रोवर्सियल एंड इज रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई मैनी इकोलॉजिस्ट। ये जो क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स को जिसको कि क्लीमेंटिस ने डिफाइन किया था कि जब अटेनमेंट ऑफ टर्मिनल स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी वो कहलाती है क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स पर जब कोई कम्युनिटी पहुंच जाती है यानी कि क्लीमेंट्स ने जो बताया था जिसको टर्म दिया था कि क्लाइमेक्स यानी कि जब लगातार जो है कंपटीशन और रिएक्शन के रिजल्ट स्वरूप जो है ऑर्गेनिजम्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है और इस प्रोसेस को जो है स्टेबलाइजेशन कहते हैं और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाते हैं उनको कहते हैं क्लाइमेक्स। और इस प्रोसेस के लास्ट में जो है जो ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी जो एकदम इस्टेब्लिश हो जाती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्लाइमेक्स स्टेज यानी कि उसकी पूरी चरमावस्था यानी लास्ट स्टेज उसकी एकदम पूरी तरह से वो कम्युनिटी इस्टेब्लिश हो जाती है। तो इस क्लीमेटिन्स के 1916 में जो उन्होंने इसको क्लाइमेक्स नाम दिया था, टर्म दिया था इसको, जो क्लाइमेक्स से संबंधित बहुत सारे रिव्यूड हैं जिसमें कि बहुत सारे कंट्रोवर्सियल हैं इससे संबंधित इकोलॉजिस्ट, डिफरेंट टाइप्स के इकोलॉजिस्ट के डिफरेंट टाइप्स के थ्योरी दी है। तो अकॉर्डिंग टू क्लीमेंट्स 1916-1935 क्लाइमेक्स हैज़ द फॉलोइंग थ्री प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लीमेंट्स के अनुसार जो है क्लाइमेक्स की जो है उसे डिफाइन करने के लिए थ्री उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए थ्री प्रिंसिपल्स दिए गए। सबसे पहली प्रिंसिपल कैरेक्टर्स था यूनिटी यानी क्लाइमेक्स इज ए यूनिट एंड इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ एरिया। लाइफ और ग्रोथ फॉर्म्स प्लांट्स इंडिकेट द क्लाइमेट टाइप यानी क्लाइमेक्स एक ऐसा यूनिट होता है, एक ऐसा इंडेक्स होता है या कह सकते हैं इंडिकेटर होता है जो कि क्लाइमेट उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है उसको इंडिकेट करता है। तो वहाँ का लाइफ फॉर्म या ग्रोथ फॉर्म प्लांट का इंडिकेट करता है कि वहाँ का क्लाइमेटिक टाइप क्या है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। अनलेस ऑल द स्पीसीज आर नॉट टेकन एज एन असेंग यूनिट क्लाइमेक्स वुड नॉट इंडिकेट द क्लाइमेट यानी कि वहाँ पर जो स्पीसीज या जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड यूनिट नहीं बना पाते हैं, वो क्लाइमेक्स को जो है नहीं अपनी चरमावस्था को अपनी लास्ट स्टेज को नहीं पाते हैं और वो जो है वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार जो है सेटल नहीं हो पाते हैं तो वो जो है वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब यूनिटी में होते हैं
तो यूनिटी के अनुसार वहाँ पर अपनी पूरी प्रोसेस करके जो है लास्ट स्टेज में जब पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाते हैं, यानी जब कंपटीशन और रिएक्शन के फलस्वरूप जो है पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाती है वो कम्युनिटी, तब जो है वो यूनिटी, बिना यूनिटी के जो है वो कॉम्प्लेक्स क्लाइमेक्स को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यूनिटी जो है किसी भी क्लाइमेक्स का जो होता है एक प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नेक्स्ट होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी यूनिटी मीन्स कि एकता, जैसे कि क्लाइमेक्स एक जो होता है एक यूनिट होता है, और एरिया के जो होता है क्लाइमेट को जो है इंडिकेट करता है। नेक्स्ट होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी द फॉर्म ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज मोर और लेस स्टेबल विद द क्लाइमेट। दिस क्लाइमेक्स कम्युनिटी कैन नॉट बी रिप्लेस थ्रू कंपटीशन बाय एनी अदर ग्रुप ऑफ स्पीसीज। यानी स्टेबिलिटी दूसरा जो है प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी का, तो इसमें जो है स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व तो जो प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो की जो स्टेज होती है वो एटमॉस्फियर यानी वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ जो होता है लगभग जो होता है पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाती है, उनमें एक इक्विलिब्रियम बन जाता है जिससे कि वो कम्युनिटी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है। तो एक स्पेशल टाइप्स का जो इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट क्लाइमेट होता है उसके जो होता है मेन जो होते हैं कि केवल कुछ ही जो होते हैं इफ़ेक्टिव स्पीसीज जो होती हैं वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में डेवलप हो सकती हैं। यानी कि हर तरह की स्पीसीज वहाँ पर नहीं डेवलप होती, बल्कि जो उस वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन को जो है अडॉप्ट कर लेती हैं और वहाँ के जो आपस के जो रिएक्शन होता है या जो उनके बीच में कंपटीशन होता है उसमें जो होती हैं जो वहाँ पे सर्वाइव करने योग्य होती हैं वहाँ के एटमॉस्फियर में, वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार जो उस एरिया में जो होता है पूरी तरह से डेवलप कर सकती हैं, तो वही जो कहलाती हैं डोमिनेंट स्पीसीज कहलाती हैं। तो केवल उस जो क्लाइमेटिक कम्युनिटी वहाँ पर डेवलप होती है उसमें कुछ ही स्पीसीज जो होती हैं डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में पाई जा सकती हैं। यानी कि जो क्लाइमेटिक कम्युनिटी की जो स्टेज होती है उसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ पूरी तरह से इस्टेब्लिश होती हैं और एक स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन के जो है रिजल्ट स्वरूप जो होते हैं उनमें कुछ ही केवल डोमिनेंट स्पीसीज वहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी में डेवलप पूरी तरह से डेवलप हो पाती हैं। ये दूसरा थर्ड है ओरिजिन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशंस। ओरिजिन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशंस यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज टू बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू एन ऑर्गेनिज्म लाइक विच इज टेकन बर्थ ग्रोज एंड डेवलप्स एंड बिकम नेचर बिकम मैच्योर। यानी कि जो वहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वहाँ पर इक्विवेलेंट में ऑर्गेनिज्म जो कि ऑर्गेनिज्म इक्विवेलेंट में ट्रीट किए जाते हैं, जैसे कि वहाँ का उनका बर्थ होना, ग्रो करना, डेवलप करना और पूरी तरह से मैच्योर होना। यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी में एक ही ऑर्गेनिज्म के इक्विवेलेंट जो होता है एक ही ऑर्गेनिज्म के इक्विवेलेंट समझा जाता है जिसका कि जो होता है बर्थ ग्रोज यानी कि उसकी जो ग्रो करने की अवस्था होती है और मैच्योरिटी होती है और बाकी भी किसी भी उसकी वहाँ पर कोई वो एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। यानी कि बाकी जो होते हैं वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी कि वो एक ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म से होता है पूरी तरह से समान रूप से वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो पाते हैं, क्योंकि उन्हीं का जो है ग्रोथ है, बर्थ है, ग्रोथ है और मैच्योरिटी होती है, बाकी जो है वहाँ पर डिसअपियर हो जाते हैं।
इन दिस ऑर्गेनिज्मिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्लीमेंट्स वेंट टू एक्सटेंट ए डिजिग्नेटिंग इट इज़ ए सुपर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑर्गेनिज्मिक कंसेप्ट होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी का, तो क्लीमेंट्स ने इसी को जो है डिजिग्नेट किया है कि ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म करते हैं उनकी ही ओरिजिन होती है और उन्हीं के ही जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशन, मतलब उनकी जो है ओरिजिन से ले करके उनके डेवलप होने तक की पूरी प्रोसेस की डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर सुपर ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं। इन एनी क्लाइमेटिक रीजन द डेवलपमेंटल स्टेजेज ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैव दियर ऑन करेक्टरिस्टिक्स विच रिफ्लेक्ट द टाइप ऑफ क्लाइमेट। और क्लाइमेटिक रीजन में जो डेवलपमेंटल स्टेजेज होती हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी की, वहाँ पर उनकी अपनी करेक्टरिस्टिक यानी उनके अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं उनसे रिफ्लेक्ट हो करके वहाँ पर क्लाइमेट के अनुसार जो होता है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वहाँ के अनुसार वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की एक स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म की जो होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप होती है। सिमिलर टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ चेंजिंग एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैव आल्सो सिमल्टेनियसली अंडरगोन चेंजेज विद चेंजिंग क्लाइमेट। अब इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट की स्टेज में अपनी एज को चेंज करता है तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होता है वहाँ पर जो क्लाइमेट का चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को चेंज कर लेता है। तो दज फाइलोजेनेटिक रिलेशंस में बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन डिफरेंट क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फाइलोजेनेटिक रिलेशंस होता है वो डिफरेंट टाइप्स की क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जो होता है इस्टेब्लिश होता है, यानी कि जिस टाइप का क्लाइमेटिक चेंज होगा उसी टाइप से वहाँ के और रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी अपनी डेवलपमेंट में यानी कि चेंजिंग एज में क्लाइमेक्स ऑर्गेनिज्म चेंज कर लेता है, यानी अपने डेवलपमेंटल हिस्ट्री जो होती है उसकी यानी कि उसकी डेवलपमेंट की इस्टेब्लिश होने की जो प्रोसेस होती है वो भी चेंज होती जाती है। तो इस तरह से ओरिजिन ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशन के बेसिस पर भी जो होता है कहीं की क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है पूरी तरह से वहाँ पर डेवलप होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी में केवल एक ही ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी बर्थ ग्रोथ और मैच्योरिटी उसमें लगातार पाई जाती है क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को वहाँ पर रहने के अनुकूल बना लेता है, एडाप्टेशन उसमें उत्पन्न हो जाती है, वही कम्युनिटी जो होता है वही ऑर्गेनिज्म जो होता है वहाँ पर जो होता है वो डोमिनेंट स्पीसीज कहलाता है और पूरी तरह से उसी की ग्रोथ और मैच्योरिटी वही कम्युनिटी प्राप्त कर पाती है। तो ये तीन प्रिंसिपल हैं, यानी पहला था यूनिटी यानी उनमें जो होता है यूनिटी होना, दूसरा था स्टेबिलिटी की जो है स्टेबल होना, यानी पहला एकता फिर स्थायित्व और फिर उनकी जो है ओरिजिन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशंस क्या होते हैं उनके बीच में, यानी क्लाइमेट के अनुसार उनमें चेंजेस आते रहते हैं। तो ये वहाँ पर क्लाइमेक्स जो होते हैं फॉर्म कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो है थ्री टाइप्स की थ्योरीज दी गई हैं, थ्योरीज तो बहुत सारी हैं लेकिन थ्री मेन थ्योरीज हैं। तो देयर हैव बीन पुट फॉलोइंग थ्री पॉपुलर थ्योरीज अबाउट द क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट इन इकोलॉजी। यानी क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट जो सक्सेशन में होता है उसके अनुसार जो होते हैं उसको कैसे होता है, क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है डिफरेंट टाइप्स के साइंटिस्ट जो हैं कई तरह की थ्योरी दिए हैं, सभी ने अपनी अपनी थ्योरी दी है लेकिन इनमें से जो है थ्री पॉपुलर थ्योरीज हैं जो कि क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट की इकोलॉजी को जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। पहला है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी को F.E. क्लीमेंट्स ने दिया था। इन्होंने जो है इम्फेसिस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ओनली क्लाइमेट इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। F.E. क्लीमेंट्स ने जो है
क्लाइमेट को जो है इम्पोर्टेंस दिया था कि क्लाइमेट के अनुसार ही यही एक फैक्टर है जो किसी भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी को जो है गवर्न करता है, यानी कि कंट्रोल करना है करता है, यानी कि कोई भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी का स्टेबलाइजेशन जो होता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही होता है, उसका इम्पोर्टेंस होता है। अकॉर्डिंग टू द मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, विद इन ए गिबन रीजन आर लैंड सरफेस इक्विवेलेंटली टेंड टू बी ऑक्यूपाइड बाई ए सिंगल काइंड ऑफ कम्युनिटी विच इज क्लाइमेक्स। इस थ्योरी के अनुसार, यानी कि मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के अनुसार, किसी विशेष लैंड के किसी पूरे लैंड के किसी विशेष एरिया में, रीजन में, वहाँ पर जो सरफेस पर ऑक्यूपाई पाए जाने वाले जो सिंगल काइंड्स ऑफ कम्युनिटी पाई जाती है वो क्लाइमेक्स कहलाती है। और वो क्लाइमेक्स जो होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है, वो किसी एक ही फैक्टर के थ्रू जो होता है गवर्न की जाती है। तो विद इन ए गिवन रीजन आर लैंड सरफेस इवेंचुअली टेंड टू बी ऑक्यूपाइड बाई ए सिंगल काइंड ऑफ कम्युनिटी विच इज क्लाइमेक्स। केवल एक ही प्रकार की कम्युनिटी जो है क्लाइमेक्स पर पहुंचती है और वहां पर एक ही फैक्टर, यानी कि क्लाइमेट फैक्टर जो होता है उसको प्रभावित करता है या कंट्रोल करता है या उसको गवर्न करता है। तो द क्लाइमेक्स इज डिटरमाइंड बाई द रीजनल क्लाइमेट। क्लाइमेक्स जो होता है वहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है रीजनल क्लाइमेट के थ्रू, यानी उस एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है उसी तरह की स्पीसीज वहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाएगी, जो स्पीसीज की वहाँ पर सर्वाइव कर सके, उस क्लाइमेटिक कंडीशन को अडॉप्ट कर सके, वही वहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाती है। गिवन ए स्टेबल क्लाइमेट द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज स्टेबल आइडेंटिटी इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन को सर्वाइव कर जाए, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को अडॉप्ट कर ले, वही वहाँ पर कम्युनिटी जो होती है स्टेबल हो पाती है और वहाँ पर फ्री रूप से अपना आपको स्टेबल कर पाती है। हाउ एवर हिज व्यू यू आर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाई मैनी इकोलॉजिस्ट, जिसमें क्लाउज थे, डिसएग्रीज विद द आइडिया ऑफ द स्टेबिलिटी, स्टेटेड दैट इक्विलिबेरियम स्टेट इज नेवर रीच्ड एंड सक्सेसन इज इन फैक्ट ए वेरिएबल रदर देन ए कॉन्स्टेंट। तो क्लाउज बहुत सारे उनके क्लिमेंट्स के इस थ्योरी के जो है अगेंस्ट जो है बहुत से इकोलॉजिस्ट ऐसे थे जो इस थ्योरी को नहीं मानते थे, जिसमें कि कॉल ने बताया डिसएग्री थे उनके इस आइडिया से कि स्टेबिलिटी जो होता है किसी भी क्लाइमेक्स में जो होता है स्टेबिलिटी, या कह सकते हैं इक्विलिबेरियम स्टेट जो होता है कभी भी नहीं आता है, क्योंकि सक्सेशन जो होता है वेरिएबल अप्रोच है और वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं पाया जाता है, लगातार उसमें चेंजेज होते रहते हैं। तो ये जो है स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लाउज ने नहीं माना उनके क्लिमेंट्स के। तो अकॉर्डिंग टू कूपर साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने बताया कि आल प्रोग्रेसिव एज वेल एज रेट्रोग्रेसिव चेंजेज इन कम्युनिटीज रिफ्लेक्ट सक्सेशन। कूपर के अनुसार जो है सभी प्रोग्रेसिव जो वहाँ पर कम्युनिटी थी वो जो है लगातार रेट्रोग्रेसिव चेंजेस के अनुसार कम्युनिटी जो है वहाँ पर सक्सेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होता है। Thus he considered climax state as stage of minimum change rather than finally change state of succession। तो उन्होंने बताया कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है लगातार उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं, तो मिनिमम चेंजेज वाली कम्युनिटी जो होती है लगातार उसमें चेंज होना ही सक्सेशन है। तो क्लाइमेक्स में नॉट बी टेकन इक्विवेलेंट टू एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच इट डिफर्स इन सेवरल रेस्पेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि क्लाइमेक्स जो होता है किसी भी एक निश्चित ऑर्गेनिज्म का जो है वहाँ पर इक्विवेलेंट होना, इस्टेब्लिश होना नहीं है, बल्कि इसमें सेवरल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो बहुत से इकोलॉजिस्ट जो हैं इस बात से एग्री नहीं करते थे। देयरफोर कम्युनिटी मे नॉट बी कंसिडर्ड एज ए यूनिट।
तो वो नहीं मानते थे कि कम्युनिटी जो होता है कोई एक यूनिट है, क्योंकि जो तीन प्रिंसिपल हैं यूनिटी, और यूनिटी के अलावा जो है यूनिटी, स्टेबिलिटी एंड ओरिजिन एंड फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट, तो यूनिटी यानी कि उनमें एकता को थ्योरी को वो नहीं मानते थे। इट इज़ कॉमन टू ऑब्जर्व डैट इन द सेम क्लाइमेट क्लाइमेक्स कम्युनिटीज आर डिफरेंट, जबकि देखा गया है कि बहुत सी जगहों पर सेम क्लाइमेट होते हुए भी वहाँ पर जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती है, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन दियर प्राइमरी स्टेजेज एंड हैबिटेट करेक्टरिस्टिक्स दियर सक्सेशनल स्टेजेज आर आल्सो डिफरेंट। वहाँ पर जो है उनका हैबिटेट करेक्टरिस्टिक्स के अनुसार, प्राइमरी स्टेजेज के अनुसार जो होता है उस पर डिपेंड होने वाले जो कम्युनिटी जो वहाँ पर इस्टेब्लिश होती है वो डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट सक्सेशनल स्टेजेज और डिफरेंट होती हैं, वहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटी इस्टेब्लिश होती है, जबकि क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर सेम होती है। आल्सो इन सम क्लाइमेट ए लिथोसियर एंड हाइड्रोसियर बिगनिंग विद डिफरेंट पायनियर कम्युनिटीज एंड प्रोसीडिंग थ्रू डिफरेंट सक्सेसिव डेवलपमेंटल स्टेजेज माइट डेवलप इनटू सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटीज। यहाँ तक कि जो लिथोसियर होता है यानी जो कि रॉक्स वगैरह पर सक्सेशन होता है, या जो हाइड्रोसियर होता है यानी जो वाटर में सक्सेशन होता है, इन दोनों की प्राइमरी स्टेज में जो होती डिफरेंट पायनियर कम्युनिटी जो होती प्रोसीड करती हैं, और डिफरेंट सक्सेसिव डेवलपमेंटल स्टेजेज भी जो होती हैं प्रोसेस करती हैं, माइट डेवलप इनटू सिमिलर कॉम्प्लेक्स क्लाइमेक्स कम्युनिटी। लेकिन इन दोनों जगहों पर जो होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। सिमिलरली इट मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू डैट सक्सेशन विद सिमिलर पायनियर कम्युनिटीज एंड सीरल कम्युनिटीज वुड डेवलप इनटू सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी सक्सेशन में या किसी भी सक्सेशनल स्टेज में जो होता है जो सिमिलर पायनियर कम्युनिटी होती हैं या सीरियल कम्युनिटीज होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो डेवलप होकर सिमिलर कॉम्प्लेक्स क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म करती हैं। द मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट एंड सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट द क्लाइमेक्स, जिसको कि क्लीमेंट्स ने क्लीमेंट्स के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो हैज़ बीन इट्स इंटीमेट रिलेशनशिप विद द क्लाइमेट, यानी कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है उस क्लाइमेक्स कम्युनिटी का उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होती है, क्लाइमेट के साथ उसका रिलेशनशिप होता है, ये क्लीमेंसिस के अनुसार है। क्योंकि उन्होंने बताया कि एक ही जो होता है क्लाइमेट ही एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मोनो क्लाइमेक्स थ्योरी कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही जो होता है ऑर्गेनिज्म जो होता है एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म वहाँ पर कम्युनिटी में इस्टेब्लिश हो पाते हैं, जो कि क्लाइमेक्स स्टेट में इस्टेब्लिश हो पाते हैं। इन मैनी कंडीशंस इन एन एरिया ऑफ यूनिफॉर्म ऑफ क्लाइमेट इट इज कॉमन टू एब्जॉर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू द सॉयल टोपोग्राफी एंड अदर फैक्टर्स। तो अगर देखा जाए कि वहाँ की कंडीशंस, एरिया की कंडीशंस के अनुसार, वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार जो है एक ही एरिया में जो है डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहाँ की सॉयल के अकॉर्डिंग, वहाँ के जो बायोजियोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग और अदर फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, रेनफॉल के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती है। अंडर सच सिचुएशन इट वुड नॉट बी करेक्ट टू कंसीडर ओनली द क्लाइमेट एज डिटरमाइनिंग फैक्टर इन क्लाइमेक्स, यानी कि इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ये सही नहीं है कि केवल क्लाइमेट ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि क्लाइमेक्स को प्रभावित करता है या क्लाइमेक्स को इफेक्टिव करता है, कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही केवल जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहाँ पर इस्टेब्लिश होती है, केवल यही एक फैक्टर नहीं होता है। इस एग्जांपल को जो है हाल्ट ने 1885
और 1887 में फिनलैंड में उन्होंने बताया कि लॉन्ग बिफोर द क्लीमेंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स डिस्क्राइब्ड एज मैनी एज सेवन डिफरेंट हैबिटेट टाइप्स अंडर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। चूँकि जो क्लीमेंट्स ने बताया था कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स एक ही तरह की ऑर्गेनिजम जो होते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म करते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग होता है लेकिन उनके फेवर में होता है। तो लेकिन हर्ट ने 1885 में जो है क्लीमेंट्स के जो है इस कॉन्सेप्ट को क्लाइमेक्स के कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से डिस्क्राइब किया कि किसी भी एक कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में उन्होंने डिफरेंट हैबिटेट टाइप्स के यानी सेवन डिफरेंट हैबिटेट टाइप्स को जो है सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो करते हुए देखा कि क्लाइमेटिक कंडीशन तो वहाँ पर सेम थी पर जो है वहाँ पर डिफरेंट हैबिटेट के जो है वहाँ पर टाइप्स जो है वहाँ पाए गए क्लाइमेक्स कम्युनिटी के। तो ये जो है क्लीमेंट्स के जो थ्योरी थे उसको उन्होंने जो है नहीं माना। टेंसले 1935 टू डिसएग्रीज विद क्लीमेंट्स पुट फोर्थ हिज कॉन्सेप्ट डैट क्लाइमेक्स कम्युनिटीज आर इनफैक्ट कंट्रोल्ड बाई मोर देन वन फैक्टर एंड नॉट स्लोली बाई क्लाइमेट। इसी चीज़ को जो है क्लीमेंट्स के जो डिसएग्री थे टेंसले जो कि 1935 में उनकी थ्योरी को जो उन्होंने डिस्कार्ड करते हुए बताया कि कोई भी जो है क्लीमेंट्स की थ्योरी कॉन्सेप्ट को जो उन्होंने बताया था क्लीमेंट्स ने बताया था कि कोई भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो जो होती है एक ही फैक्टर यानी क्लाइमेट के थ्रू एक ही तरह की क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहाँ पर किसी भी एरिया में जो है इस्टेब्लिश करती है। उन्होंने बताया टेंसले ने कि कोई भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी केवल एक फैक्टर यानी क्लाइमेट के थ्रू ही केवल कंट्रोल नहीं होती बल्कि और भी बहुत सारे एक फैक्टर के अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो वहाँ की क्लाइमेक्स कम्युनिटी को जो है इफ़ेक्टिव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एक ही एरिया में जो है एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंट हैबिटेट टाइप्स के वहाँ पर कम्युनिटी इस्टेब्लिश होती है। इन दिस वे द क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीमेंट्स बिकम पॉपुलरली नोन एज मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ऑल्दो क्लीमेंट्स डिड नॉट यूज दिस टर्म। जो है इसी थ्योरी को जो कि क्लीमेंट्स ने बताया था कि क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट जो था क्लीमेंट्स का उनकी इसी थ्योरी को जो है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के नाम से जाना गया। जब चूँकि ये टर्म जो है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी क्लीमेंट्स ने कभी भी यूज नहीं किया लेकिन वो थ्योरी चूँकि एक ही ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप्स की कम्युनिटी जो है क्लाइमेक्स पर जो है इस्टेब्लिश हो सकती है इस थ्योरी को और भी क्लाइमेट केवल एक ही फैक्टर क्लाइमेट ही उसको जो है गवर्न करता है कंट्रोल करता है तो वहाँ पर केवल एक ही जो है कम्युनिटी जो है डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में होती है तो उसी को जो है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है जिसको कि क्लीमेंट्स ने कभी भी ये टर्म को यूज नहीं किया। उन्होंने जो टर्म दिया था उसका नाम था क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट। सेकंड था पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। नेक्स्ट है दूसरी थ्योरी है पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी को मेनली जो है टेंसले ने दिया था 1935 में क्योंकि क्लीमेंट्स ने जो है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी दिया था। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के अनुसार जो होता है एक ही क्लाइमेक्स जो होता है एक ही जो है कम्युनिटी जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है इस्टेब्लिश होती है एक एरिया में और वो जो है एक ही फैक्टर क्लाइमेट के थ्रू जो होती है गवर्न होती है लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट थे बहुत सारे इकोलॉजिस्ट जो हैं इस थ्योरी के अगेंस्ट थे। उनमें से एक टेंसले भी 1935 में उन्होंने भी इसको थ्योरी को नहीं माना और उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। उनका बिलीव था कि हु बिलीव्ड डैट क्लाइमेक्स इज कंट्रोल्ड बाई मैनी एंड नॉट वन क्लाइमेट फैक्टर्स। अकॉर्डिंगली टेंसलेज कॉन्सेप्ट बिकम पॉपुलरली नोन एज पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी। यानी कि टेंसले 1935 में माना कि क्लाइमेक्स जो होता है वो कंट्रोल
एक नहीं, केवल एक क्लाइमेट फैक्टर द्वारा नहीं, बल्कि बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं जिनके द्वारा वो गवर्न की जाती है या कंट्रोल की जाती है। टेंसले के अकॉर्डिंग जो थ्योरी थी, कॉन्सेप्ट था, उसी को जो है पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी नाम दिया गया। क्लीमेंट्स ने जो है बताया कि क्लीमेंट्स आल्दो एग्रीड विद द पॉसिबल कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स अदर देन क्लाइमेट ऑन क्लाइमेक्स, बट ही थॉट दैट दीज कम्युनिटीज वुड सूनर और लेटर डेवलप इनटू क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स टाइप्स। क्लीमेंट्स का मानना था कि कोई भी जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो वहाँ पर बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं, क्लाइमेट के अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर वहाँ पर कंट्रोल तो करते हैं, पर वहाँ पर जो कम्युनिटी इस्टेब्लिश होती है, क्लाइमेक्स पर पहुँचती है, वो सूनर कह लें या लेटर जो है डेवलप होती है क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स टाइप्स के अनुसार ही। कॉन्सिक्वेंटली विद एन अटेम्प्ट टू एकोमोडेट दीज स्टेजेज इन द ऑन हाइपोथिसिस, क्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस द लिटरेचर ए नंबर ऑफ न्यू टर्म्स, दीज आर एज फॉलोज। द स्टेज इज सक्सेसन जस्ट प्रोसीडिंग द क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाज कॉल्ड सब क्लाइमेक्स, यानी कि जहाँ पर क्लाइमेटिक क्लाइमेट के अलावा और बहुत सारे फैक्टर भी इन्वॉल्व थे, वहाँ पर क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स को जो है कम्युनिटी जो वहाँ पर फॉर्म होती है उसको उन्होंने टर्म दिया सब क्लाइमेक्स। द कम्युनिटी विच बिकम इस्टेब्लिश्ड एट एनी ऑफ ए सीरियल स्टेजेज ऑफ सक्सेसन ड्यू टू माइक्रो क्लाइमेट और इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर एज ए सॉयल फायर, दैट इज वाज कॉल्ड ए सीयर क्लाइमेक्स। यानी जो कम्युनिटी, चूँकि क्लीमेंटिस ने माना था कि कोई भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डेवलप करती है, इस्टेब्लिश होती है, तो उसको डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी को उन्होंने सब क्लाइमेक्स कहा। और कम्युनिटी, जो कम्युनिटी इस्टेब्लिश होती है और सीरियल स्टेजेज वहाँ सक्सेसन की फॉर्म होती माइक्रो क्लाइमेट के थ्रू, इफ़ेक्ट होता है उन फैक्टर का उन पर जैसे कि सॉयल का, फायर का, तो वो कहलाती हैं सीयर कॉम्प्लेक्स। यानी कि ए डिसक्लाइमेक्स यानी कि डिस्टर्ब क्लाइमेक्स जो होता है वाज कॉल्ड द कम्युनिटी विच बिकम मोर और लेस स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रिकरेंट डिस्टर्बेंस बाई मैन और अदर बायोटिक फैक्टर्स विच प्रिवेंट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन द एरिया। यानी कि जो क्लाइमेक्स का डिस्टर्ब्ड होता है, जो क्लाइमेक्स डिसक्लाइमेक्स कहलाता है, वो जो कम्युनिटी होती है वहाँ पर वो कम या अधिक वहाँ पर स्टेबलाइज्ड होती है, और रिकरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका डिस्टर्बेंस जो होता है ह्यूमन बींग के थ्रू या फिर बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू जो होता है वहाँ पर क्लाइमेक्स का डिस्टर्बेंस होता है, और वो जो है इस्टेब्लिशमेंट क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होता है उस एरिया में जो होता है वो प्रिवेंट हो जाती है, रुक जाती है। एट द सेम प्लेस अंडर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस एट स्मॉल डिस्टेंसेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन वाटर एंड सॉयल कैरेक्टर्स देयर मे डेवलप डिफरेंट क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो सेम प्लेस पर और सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में छोटे छोटे डिस्टेंसेस पर, स्मॉलर डिस्टेंसेस पर डिफरेंसेस जो वाटर में पाया जाता है या सॉयल कैरेक्टर में पाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है उसमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अंडर सच सर्कमटेंसेस क्लीमेंट्स 1936 क्वाइंड टू मोर टर्म। इन्हीं परिस्थितियों के अनुसार जो है क्लीमेंट्स ने जो है 1936 में जो है दो टर्म दिए थे, एक था प्री क्लाइमेक्स और दूसरा था पोस्ट क्लाइमेक्स। प्री क्लाइमेक्स यानी जो वहाँ पर क्लाइमेक्स से पहले की प्रोसेस थी, यानी कि इट इज़ द कम्युनिटी विद लाइफ फॉर्म लोअर देन दोज इन द एक्सपेक्टेड क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स विच माइट डेवलप इज ए हैबिटेट ड्रायर देन डेट ऑफ द एक्सपेक्टेड क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स।
यानी कि जो एक्सपेक्टेड क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स होगा वहाँ पर, उसके अनुसार जो है तो वहाँ पर हैबिटेट टाइप्स में जो डेवलप होंगे, जो कम्युनिटी वहाँ पर डेवलप होगी, यानी कि क्लाइमेक्स पर पहुँचने से पहले जो कम्युनिटी होगी वो लाइफ फॉर्म लोअर दैन दो एक्सपेक्टेड क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स, यानी कि जो एक्सपेक्टेड क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स है उसके अकॉर्डिंग जो होता है उसमें लाइफ फॉर्म या ग्रोथ फॉर्म देखने को मिलेगी और माइट डेवलप इन हैबिटेट ड्रायर दैन ऑफ द एक्सपेक्टेड, यानी वहाँ पर जो डेवलप होगी हैबिटेट वो एक उसके एक्सपेक्टेड उससे ड्रायर ही होगी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी एंड सेकेंड होता है पोस्ट क्लाइमेक्स, यानी कि प्री क्लाइमेक्स, यानी कि क्लाइमेक्स पर पहुंचने से पहले वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जो एक्सपेक्टेड होगी उसी के अकॉर्डिंग जो होता है वहाँ पे कम्युनिटी में जो होते डिफरेंट टाइप्स के लाइफ फॉर्म लोअर लाइफ फॉर्म वगैरह देखने को मिलते हैं, तो उनके अनुसार वहाँ पर कम्युनिटी जो होती है वहाँ की वाटर के अनुसार, वहाँ की सॉयल के अनुसार, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वहाँ पे कोई कम्युनिटी डेवलप होगी। नेक्स्ट होती पोस्ट क्लाइमेक्स, यानी कि क्लाइमेक्स पर पहुँचने के बाद ए स्ट्रिप ऑफ कम्युनिटी विद लाइफ फॉर्म हायर देन दोज इन द एक्सपेक्टेड क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स एंड विच डेवलप्स अंडर मोर मॉइस्ट और कोल्डर हैबिटेट, यानी कि क्लाइमेक्स पर पहुंचने के बाद वहाँ पर जो कम्युनिटी स्ट्रिप होगी, वहाँ जो लाइफ फॉर्म होगा वो बहुत ही हायर होगा, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन क्लाइमेटिक कॉम्प्लेक्स जो होगा डेवलप होगा वो जो होगा बहुत ही मॉइस्ट और कोल्डर हैबिटेट में रहने के योग्य होंगे। तो वहाँ पर क्लाइमेक्स पर पहुँचने के बाद की ये स्टेजेज होती हैं, तो जो सरकमटेंसेस में यानी कि डिफरेंट टाइप्स के वाटर सॉयल की करेक्टरिस्टिक फीचर की बेसिस पर, वहाँ के करेक्टर की बेसिस पर जो क्लाइमेक्स डेवलप होता है उसके अनुसार दो तरह का क्लाइमेक्स होता है, प्री क्लाइमेक्स और दूसरा होता है पोस्ट क्लाइमेक्स। यानी प्री क्लाइमेक्स पर जो एक्सपेक्टेड क्लाइमेक्स के अकॉर्डिंग जो डेवलप होते हैं वो हैबिटेट जो होता है वहाँ पर ड्रायड हैबिटेट में डेवलप होते हैं, और पोस्ट क्लाइमेक्स में जो होते हैं वो क्लाइमेटिक एक्सपेक्टेड क्लाइमेक्स क्लाइमेटिक कॉम्प्लेक्स वहाँ पर डेवलप जो होते हैं वो मॉइस्ट और कोल्डर हैबिटेट में रहने के योग्य होते हैं। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो है क्लीमेंट्स ने क्वाइंट किया था नंबर ऑफ न्यू टर्म्स, जैसे को क्लाइमेक्स, सुपर क्लाइमेक्स, क्वासी क्लाइमेक्स एंड पारा क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, कॉन क्लाइमेक्स, पेनी क्लाइमेक्स, मेटा क्लाइमेक्स एंड स्यूडो क्लाइमेक्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो है क्लाइमेक्स उन्होंने टर्म दिया था कि जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कम्युनिटी डेवलप होती है या इस्टेब्लिश होती है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट टर्म्स भी उनको दिए थे। यानी वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट और भी वहाँ का वाटर का कंडीशन, वहाँ पर सॉयल के करेक्टर, ये सभी जो है वहाँ के कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी को जो है गवर्न करती हैं, फैक्टर जो होता है उन्हें कंट्रोल करता है। तो ये जो है क्लीमेंट्स के टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर जो है पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी टेंसले ने जो है 1935 और 39 में दिया था। तो यहाँ पर केवल एक ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं, बल्कि वहाँ के वाटर सॉयल और डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर डिफरेंट हैबिटेट टाइप्स की कम्युनिटी एक एरिया में डेवलप कर जाती है। तो वो जो होता है यानी कि डस्ट इन एडिशन टू क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट देयर में डेवलप, यानी वहाँ पर जो कम्युनिटी जो होता है जो कम्युनिटी क्लाइमेक्स जो होता है क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स होता है क्लाइमेट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, तो उसे कहते हैं क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। और दूसरी होते हैं इडैफिक क्लाइमेक्स यानी डेवलप्ड ऑन एंड अंडर डेवलप्ड सॉयल ड्यू टू इडैफिक इफेक्ट्स, यानी कि इडैफिक क्लाइमेक्स तब कहेंगे जब वहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होता है वहाँ के इडैफिक फैक्टर के अनुसार, यानी कि डेवलप्ड ऑन ए अंडर डेवलप्ड सॉयल और इडैफिक इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग डेवलप होती है तो वो क्लाइमेक्स कहलाता है इडैफिक क्लाइमेक्स। नेक्स्ट टर्न होता है बायोटिक क्लाइमेक्स, यानी कि जहाँ पर डेवलप ड्यू टू बायोटिक डिस्टर्बेंस
तो वो कहलाता है बायोटिक क्लाइमेक्स, जो कि बायोटिक डिस्टरबेंस के अनुसार वहाँ पर क्लाइमेट कम्युनिटी बनती है, तो वो बायोटिक क्लाइमेक्स कहलाता है। और कुछ इकोलॉजिस्ट ने जो है बाद में इसको कैटेगराइज किया था बायोटिक क्लाइमेक्स को कि एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेक्स, यानी जो कि मैन के थ्रू डिस्टरबेंस किया जाता है। नेक्स्ट होता है ग्रेजिंग क्लाइमेक्स, यानी कि जो कि ग्रेजिंग इफ़ेक्ट्स के ड्यू वहाँ पर क्लाइमेक्स डेवलप होता है। ज्यूटिक क्लाइमेक्स यानी कि ड्यू टू एनिमल्स। नेक्स्ट होता है टोपोग्राफिक क्लाइमेक्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन टोपोग्राफिक फैक्टर्स एट माउंटेन्स हिल्स माउंट्स। एंड फायर क्लाइमेक्स, फायर क्लाइमेक्स ड्यू टू रिपीटेड इफ़ेक्ट्स ऑफ फायर। फायर क्लाइमेक्स यानी कि जो फायर के अकॉर्डिंग रिपीट होने के अनुसार वहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप होती है, तो कहलाती है फायर क्लाइमेक्स। अकॉर्डिंग टू डार्विन मायर 1968, इफ़ वन एस्पेक्ट मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, इट मीन्स टू एडमिट दैट अदर फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर ऑफ सेकेंडरी वैल्यू। तो डार्विन मायर ने जो है 1968 में उन्होंने एक्सेप्ट किया मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी को, क्योंकि उन्होंने कहा कि और अदर फैक्टर जो होते हैं वहाँ पर एनवायरनमेंट के, वो सेकेंडरी वैल्यू रखते हैं, लेकिन केवल क्लाइमेट ही वहाँ पर जो होता है पूरे कम्युनिटी क्लाइमेक्स कम्युनिटी को गवर्न करता है। इसलिए उन्होंने जो है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी को ही मान्य किया। तो इस तरह से पहला थ्योरी था मोनोकॉम्प्लेक्स थ्योरी, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, और दूसरा था पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी, जिसको कि टेंसले ने दिया था, और थर्ड है क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथीसिस। क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथीसिस जो होता है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है, दिस कॉन्सेप्ट अबाउट क्लाइमेक्स वाज पुट बाय आर.एच. विटेकर 1953, हु रिजेक्टेड द क्लासिफिकेशन अप्रोच। तो जो इस कॉन्सेप्ट को जो है क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथीसिस को जो है आर.एच. विटेकर ने 1953 में दिया था, इन्होंने जो है पिछले सारे अप्रोचेज यानी कि जो क्लासिफिकेशन अप्रोचेज थे उसको रिजेक्ट कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी ग्रेडियंट एनालिसिस इट वाज पोस्टुलेटेड दैट द कम्युनिटीज डेवलपिंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस आर इन अकॉर्डेंस विद ऑल द फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। इनके अनुसार जो था आर.एच. विटेकर के अनुसार, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है तो ग्रेडियंट एनालिसिस के बेसिस पर इन्होंने बताया कि कोई भी कम्युनिटी डेवलप होती है पर्टिकुलर प्लेस पर, वहाँ के फैक्टर्स के एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर होते हैं उन सभी के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर प्लेस पर कोई भी कॉम्प्लेक्स जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहाँ पर डेवलप होती है। इन दिस एरिया द वेजिटेशन मे नॉट बी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर बेसिक यूनिट्स। इस ऐसे एरिया में जो है वहाँ की वेजिटेशन जो होती है वो किसी भी छोटे बेसिक यूनिट में डिवाइड नहीं होती है। वेजिटेशन वहाँ की छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड नहीं होती, बल्कि सभी मिल करके एक जो होते हैं क्लाइमेक्स फॉर्म करते हैं। वहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज जो होते हैं एक कम्युनिटी के पाए जाते हैं। इनफैक्ट डिफरेंट क्लाइमेक्स टाइप ऑफ ऑर्डिनरली ऑर्गेनाइज पैरेलल टू द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, यानी उस एरिया में एक निश्चित पर्टिकुलर स्पेस में जो है डिफरेंट टाइप्स के जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स ऑर्डरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं पैरेलल वे में, जो कि एनवायरमेंटल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस देयर इज इन ए सेंस ओनली वन बिग कम्युनिटी दैट चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सॉयल स्लोप एंड अदर हैबिटेट फैक्टर्स। यानी जो आर.एच. विटेकर के अनुसार, जैसे अभी तक क्लीमेंट्स ने दिया था मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, क्योंकि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वहाँ पर किसी भी कम्युनिटी को जो होती है वहाँ पर डिफाइन करती इस्टेब्लिश करती है, तो एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं क्लाइमेक्स पर वहाँ पर डेवलप होते हैं।
कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। लेकिन पॉलीक्लाइमेक्स में टेंसले ने बताया कि एक केवल क्लाइमेट कंडीशन ही नहीं बल्कि और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी की क्लाइमेक्स कम्युनिटी को जो है कंट्रोल करते हैं, डिफाइन करते हैं। वहाँ पर एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म होती, डेवलप होती है। लेकिन जो आरएच विटेकर ने बताया कि क्लाइमेक्स पैटर्न की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, यानी कि वहाँ पर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन यानी इन्वायरमेंट के सभी फैक्टर किसी भी उस जो वहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस पर जो कम्युनिटी डेवलप्स होती हैं वहाँ पर इन्वायरमेंट के सभी फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और उनके अनुसार उस एरिया में जो है वेजिटेशन जो है छोटे छोटे यूनिट में ना डिवाइड हो करके बल्कि डिफरेंट क्लाइमेक्स टाइप्स के जो है पैरेलल जो होते हैं इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर अरेंज होती है कम्युनिटी और डिफरेंट क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटी एक क्लाइमेक्स पर पहुँचती है। अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस वहाँ पर जो कम्युनिटी डेवलप होती है जो बड़े लार्ज एरिया में डेवलप होती है बिग कम्युनिटी फॉर्म होती है उसमें जो चेंजेज होते हैं वो वहाँ के सॉयल के अकॉर्डिंग, स्लोप के अकॉर्डिंग और हैबिटेट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंजेज होते हैं, ना कि केवल एक ही फैक्टर क्लाइमेट जो है उसको गवर्न करता है। तो इस थ्योरी के अनुसार जो है एक ही एरिया में जो है सभी तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं कम्युनिटी क्लाइमेक्स में जो होते हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जो भी चेंजेज होते हैं कम्युनिटी में, जो बिग कम्युनिटी होती है उनमें जो भी चेंजेज होते हैं वो सॉयल के अकॉर्डिंग, स्लोप के अकॉर्डिंग और हैबिटेट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इस तरह से ये तीन मेन थ्योरी है जिसमें कि मोनो क्लाइमेक्स थ्योरी, दूसरी है पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी और तीसरी है क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथेसिस। ये तीन मेन थ्योरी हैं सक्सेशन क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ इन सक्सेशन के। दैट्स ऑल, थैंक यू।